आज के बुरहानपुर में है। बुरहानपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है, फ्लैग मार्च शहर की तंग गलियों से निकाला है। हम एडिशनल एसपी से बात करेंगे किस तरीके से फ्लैग मार्च निकाला है और किस उद्देश्य को लेकर क्या तैयारी है पुलिस की। ये हमारे जो आने वाले त्यौहार हैं, काफी सारे त्यौहार है इसमें, उसी को ध्यान में रखते हुए साथ में जो आने वाले इलेक्शन है, इलेक्शन की तैयारी के चलते आज फ्लैग मार्च यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। इसमें टोटल 6 थानों का बल है और इसमें लगभग 5 थाना प्रभारी हैं, टीआई रैंक के हैं, साथ में जो डीएसपी भी हमारे साथ में, डीएसपी साहब हमारे साथ ही चल रहे हैं। लगभग 200 का बल है इसमें और आज हमारा प्लानिंग है, थोड़ा सा आज हमारी प्लानिंग है कि लगभग 3 थाने यहाँ पर, जो कोतवाली थाना क्षेत्र है, सिद्धार्थपुरा थाना क्षेत्र है, साथ में हमारा गणपति नागा थाना क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम पूरा कवर करेंगे। मतलब 3 थाना क्षेत्र कवर होगा? हाँ, 3 थाना क्षेत्र आज कवर करेंगे, कल नेक्स्ट थाना गणपति नाके को हम कल कवर करेंगे। मतलब चुनाव को देखते हुए, आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस मुस्तैद है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर तरीके से मुस्तैद है? हाँ जी हाँ, आने वाले जो त्योहार है उसी के मद्देनजर में, साथ में किसी भी घटनाओं से निपटने के लिए, एक प्रकार की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस के द्वारा आज डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। बुरहानपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है, करीब 3 थाने क्षेत्र कवर हो रहा है इसमें। हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि आप फेसबुक पे देखते हैं उसको फॉलो करें। सोहेल खान के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। आगे आएगा आएगा सर भी आएगा आपका। घर से हिम्मत बना रहा।